बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम लेयर्स को प्रयोग करते हैं नॉर्मल ड्राइंग में। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से लेयर का प्रयोग आप कोरल ड्रा में कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऑब्जेक्ट पर जाएं तो सबसे लास्ट कमांड हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजर के रूप में है। यदि मैं इसे क्लिक कर लूं तो आपके राइट हैंड साइड पे एक डॉकर अवेलेबल हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट मैनेजर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें यदि आप ध्यान दें तो आपके पास यहाँ पे मुख्यतः अंदर की तरफ पेज वन से संबंधित इन्फॉर्मेशन है और मास्टर पेज से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। पेज वन में आपके पास कुछ आइकॉन्स के साथ गाइड्स दिए गए हैं जिनका कलर ब्लू है और एक लेयर दी गई है जो डिफ़ॉल्ट लेयर है, लेयर वन। इसी तरह से मास्टर पेज पे भी गाइड्स दिए गए हैं, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट ग्रिड दी गई है। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे पहले पेज वन की बात करेंगे। पेज वन में हम लेयर्स पे काम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में जब भी हम कोई नया पेज बनाते हैं तो एक लेयर हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। यहाँ लेयर वन के रूप में पहले से एक लेयर हमारे पास उपलब्ध है। जब भी मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ कोरल ड्रॉ में, जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर को ड्रॉ किया है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को फिल किया है और इसी तरह से मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे इसकी ड्राइंग जो है वो लेयर वन पे की जा रही है। यदि मैं एक नई लेयर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ इस आइकॉन पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे यदि देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं। मैं न्यू लेयर कर देता हूँ। आप देखेंगे एक लेयर ऊपर की तरफ अवेलेबल हो गई है। ये लेयर वन है जिसपे हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइंग की है। अब हम लेयर टू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ ड्राइंग करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि पेज पे ऐसा लगता है कि एक ही पेज है उस पर काम हो रहा है ये, लेकिन यदि हम लेयर्स व्यू में देखें तो लेयर टू पे मैंने ये इस इमेज को क्रिएट किया है। इसी तरह से मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें भी मैं एक अलग सा कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं, लेयर वन जो ये है और लेयर टू हमारे पास यहाँ है। इस आइकॉन से मैं कोलैप्स और हाइड कर सकता हूँ अपने आइकॉन्स को, अपने लेयर्स पैनल के ऑप्शंस को। आप लेयर से जुड़े हुए बेसिक टूल्स या बेसिक कमांड्स को राइट क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इसको रीनेम कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट इत्यादि कर सकते हैं। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ सेकंड के नाम से और इस वाली लेयर को रीनेम कर देता हूं फर्स्ट के नाम से। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड के नाम से दो लेयर्स उपलब्ध हैं। यहां दिए गए आइकॉन्स का अपना इंपॉर्टेंस रहता है और उनके अपना अपना वर्किंग रहती है। जैसे सबसे पहले मेरे पास यहां पे शो हाइड है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे इस लेयर में जितने भी शेप्स ड्रॉन थी वो सभी हाइड हो गई हैं। अगर मैं बीच वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूं तो आप डिसेबल करेंगे प्रिंटिंग को और एक्सपोर्टिंग को इन इमेजेस जो इस लेयर पे इमेजेस बनी हुई हैं उनके लिए। अर्थात अब आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे या प्रिंटिंग करेंगे तो ये इस लेयर पे बनी हुई शेप्स आपके पास नहीं आएंगी। इस तरह से आप फिर से अनचेक कर सकते हैं और एनेबल कर सकते हैं प्रिंटिंग और एक्सपोर्टिंग को। इसके साथ लॉक कर सकते हैं लेयर को। ऐसे केस में इस लेयर पे बनी हुई, सेकंड लेयर पे बनी हुई आइटम्स को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। हालांकि बाकी ऑब्जेक्ट के साथ मैं कार्य कर सकता हूं, लेकिन इस लेयर पे बने हुए ऑब्जेक्ट जो ये ब्लू और येलो कलर का मेरे पास सर्कल है, इनको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से मैं फिर से अनलॉक कर सकता हूं कुछ भी चेंजेस करने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम आसानी से इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें गाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तरह से प्री डिफाइंड लेयर है जो आपके पास पेज वन के साथ जुड़ी हुई है। यदि मैं इनको मिनिमाइज करूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ गाइड लेयर अलग है, सेकंड लेयर अलग है, फर्स्ट लेयर अलग है। मैं गाइड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक एग्जाम्पल के लिए गाइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक गाइडलाइन जुड़ गई है। मैं चाहूँ तो वर्टिकली ये गाइडलाइन जोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से जितने भी गाइडलाइन हैं मैं इनको जोड़ के प्रयोग कर सकता हूँ। और यहाँ से यदि आप देखें तो ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। गाइडलाइन साथ में ना तो इम्पोर्ट होगी और ना ही प्रिंटिंग में आएगी यदि मैं इसको बटन को डिसेबल कर देता हूँ। इस तरह से आप लॉक भी कर सकते हैं गाइड्स को और आप शो और हाइड भी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह से गाइड्स के साथ काम करना भी आसान हो जाता है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो पेज वन में हमारे पास अब तीन लेयर्स हैं, गाइड्स, सेकेंड और फर्स्ट। तो ये तीनों लेयर्स पेज वन पे हैं। यदि मैं कोई नया पेज ऐड करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ।
इसके लिए मुझे केवल यहाँ क्लिक करना है नीचे, आप देखेंगे एक पेज और ऐड हो जाएगा। जब आप कोई पेज नया ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पेज पे यदि मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले से गाइड के नाम से लेयर अवेलेबल है, यानी कि इस पेज के लिए मैं अलग से गाइड प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे कि गाइड मैं यहाँ से ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टली और एक दूसरा इस तरह से एक वर्टिकली ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे तीन गाइडलाइन मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे मैं सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि पेज टू पे अलग गाइड्स हैं और उस पे हमारे पास लेयर वन जो है वो अलग से अवेलेबल है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि इन सभी पेजेस पे एक गाइड अवेलेबल हो जाए तो वो हम मास्टर पेज में काम कर सकते हैं, अर्थात मास्टर पेज में जो आप गाइड देंगे वो इन दोनों पेजेस के लिए भी अवेलेबल रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मास्टर पेज पे जो आप कार्य करेंगे वो इन दोनों के लिए भी अवेलेबल रहेगा। मैं यहाँ से गाइड डिटेक्ट करता हूँ और यहाँ से गाइडलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये नीचे की दो जो गाइडलाइन है आप देखेंगे ये ऑल पेजेस पे हैं, अर्थात यदि मैं एक नया पेज और इंसर्ट करूँ तो ये दो गाइडलाइंस आपके पास अवेलेबल रहेंगी क्योंकि ये मास्टर पेज पे हैं। मास्टर पेज पे आप ग्रिड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें शो हाइड आइकॉन पे यदि मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ग्रिड अवेलेबल हो गई है, और यदि पेज वन पे जाएं तो वहाँ भी अवेलेबल है, पेज टू पे भी अवेलेबल है और पेज थ्री पे भी अवेलेबल है। तो इसका अर्थ ये हुआ यदि हम गाइड्स या ग्रिड्स का प्रयोग करें और मास्टर पेज से डायरेक्टली उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मास्टर पेज पे जो गाइड्स रहते हैं या जो ग्रिड्स रहती हैं वो सभी पेजों पे अप्लाई होती हैं। मैं यहाँ से फिर से इसे हाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं आसानी से लेयर्स के साथ काम कर सकता हूँ और इनका प्रयोग कर सकता हूँ। लेयर्स पे दिए गए किसी कंटेंट को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं पेज टू पे एलिप्स लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये कंटेंट यहाँ से हट गया है। आप चाहें तो इस तरह से लेयर को भी डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और डिलीट करें, आप देखें ये लेयर क्लियर हो गई है। तो इस तरह से आप आसानी से लेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो नई लेयर्स को बना भी सकते हैं। तो इस तरह हम इन बेसिक्स के साथ आसानी से कोरल ड्रा में लेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ये सब संभव होता है ऑब्जेक्ट मैनेजर की सहायता से। ऑब्जेक्ट मैनेजर के साथ हम आसानी से इन लेयर्स को प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।